अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम शेर गनी है और आप देख रहे हैं शेर गनी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके मोबाइल की बैटरी बहुत जल्द क्यों ख़त्म हो जाती है। तो आज मैं तीन ऐसे गलतियों के बारे में आप भाइयों को बताऊंगा जो आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी मोबाइल बैटरी जल्द ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले ये मैं आप भाइयों को ज़रूर बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा शेरगनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर साथ में बेल का आइकन आएगा, इसके ऊपर भी आप भाइयों ने क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, फ़ायदा इसका ये होगा कि कोई भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको इत्तला मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू कर लेते हैं। दो तीन गलतियां हैं, वो ये हैं, अभी आप भाइयों को मैं बता देता हूं। और सबसे पहले ये बात आप भाइयों ने माइंड में रख लेनी है कि मैं कोई भी एप्लीकेशन के बारे में आप भाइयों को नहीं बताऊंगा, मैं जस्ट सिर्फ आप भाइयों को सेटिंग के बारे में ही बताऊंगा। तो आप भाइयों ने आना है अपने मोबाइल के सेटिंग में। जैसे आप अपने मोबाइल के सेटिंग में आएंगे तो सबसे पहले आप भाइयों ने देखना ही है कि हमारा मोबाइल की बैटरी जो है वो कहाँ खर्च हो रही है। मैंने बैटरी को ऊपर क्लिक किया, जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर जितने भी बैकग्राउंड में मेरा एंड्रॉयड के मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन चल रही होती है बैकग्राउंड में, ये यहाँ सब के सब हमारे सामने आ गया। तो सबसे ज़्यादा चलने वाला एंड्रॉयड सिस्टम है, उसके बाद स्क्रीन है, यूट्यूब वगैरह है, ये सब के सब हमारे पास आ गए हैं। तो इसे हमें इसको हमने किस तरह कंट्रोल में रख लेना है। तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि आप भाइयों ने आना है डिस्प्ले पर। डिस्प्ले पर आएंगे तो यहाँ पर ऊपर आप भाइयों को पास ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आप भाइयों ने क्लिक करना है, क्लिक कर लेना है। यानी आपका जो मोबाइल की जो लाइट है वो आप भाइयों के ज़्यादा जो है ना तेज़ होती है। तो आप भाइयों ने इसे मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही आप रख ले, ज़्यादा ना रखें। और मैं हमेशा इसे डाउन रख लेता हूँ। तो यहाँ पर फिर आप ओके कर ले। ओके करने के बाद यहाँ पर स्क्रीन लिमिट जो है कि आपके मोबाइल की स्क्रीन अक्सर ज़्यादातर लोगों के 5 मिनट 10 मिनट होते हैं। तो आप अगर इसको ज़्यादा देर तक रखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप भाई ने 5 मिनट रखा और 5 मिनट रखने के बाद अपने मोबाइल को आपने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद आपने रख लिया, तो रखने के बाद ये 5 मिनट तक इसका स्क्रीन ऑन रहेगा। तो 5 मिनट में ये बहुत सारा बैटरी खा लेगा। तो अच्छा ये है कि आप जितना कम रखें उतना ही ज़्यादा है। मैं अक्सर 30 सेकंड ही रख लेता हूँ। ये एक टिप हो गया। अब आते हैं दूसरे की जानिब। फिर आप भाइयों ने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर अगर स्क्रीन डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है डेवलपर ऑप्शन। अगर आप भाइयों के पास नहीं है डेवलपर ऑप्शन तो आप भाइयों ने अबाउट डिवाइस पे आना है। अबाउट डिवाइस पे आने के बाद यहाँ पर मैं नीचे करूँगा, ये देखें यहाँ पर है मॉडल नंबर, इसके ऊपर अगर आप 7 बार क्लिक करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन आप भाइयों के पास आ जाएगा। सॉरी, ये मॉडल नंबर नहीं है, ये ब्लड नंबर है। ये देखें इसके ऊपर अगर आप 7 बार क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें, मुझे कह रहे हैं कि ऑलरेडी आपके पास ये सिस्टम है। तो यहाँ पर आप भाइयों ने आना है डेवलपर ऑप्शन पर। जैसे ही आप डेवलपर ऑप्शन पर आएंगे तो स्क्रीन डाउन कर ले। स्क्रीन डाउन करने के बाद ये दो हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। अगर इसके ऊपर आप भाइयों ने डो नॉट की पर अगर क्लिक किया तो जितनी भी बैकग्राउंड में आपकी एप्लीकेशन चल रही होती है, जो सिस्टम की एप्लीकेशन है, जो सिस्टम के जितनी भी चीज़ें चल रही होती है, ये सब के सब आपको स्टॉप करके दे देगा। और इसके अलावा ये लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेस है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बता दिया जाएगा कि यहाँ पर आप कितने एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो नो बैकग्राउंड पर आप क्लिक कर ले। अगर 1, 2, 3 जितना आप लिमिट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और मैं इसको यहाँ पर ही छोड़ने वाला हूँ। दो बातें हो गई हैं, अब आते हैं तीसरी बात की तरफ। अगर आपके मोबाइल अगर आपका मोबाइल इस तरह अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आप भाइयों के प्लेट मूड आ जाता है। मेरे पास यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये देखें,
ये है प्लग मोड आप बायो के पास आ जाता है। तो अगर आप बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से कि मेरा मोबाइल बैटरी वो जल्दी चार्ज हो जाए, तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मोबाइल की बैटरी जो है वो आपके मोबाइल के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना वो मतलब अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपका प्रोसेस के ऊपर वो लोड आ जाएगा, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा प्रोसेसर, आपके मोबाइल को नुकसान हो जाता है। वैसे बैटरी तो 3-4 साल गुजार ही लेता है। तो आप भाई अगर अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लग मोड आप सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके मोबाइल के यहाँ पर ये प्लग मोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपका मोबाइल की जितनी भी एप्लीकेशन है, जो कुछ है, वो सब के सब ये स्टॉप कर देगा, यहाँ तक कि आपके मोबाइल के जो सिग्नल है उसको भी बंद कर देगा। तो आपको न कॉल आएगा न एसएमएस आएगा। उस सूरत में अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे तो बहुत जल्द आपका मोबाइल की बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो यूट्यूब में लाइक का बटन जरूर दबाएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। थैंक यू।